Assalamu alaikum, my name is Taimur Khalid and you are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now this is our third lecture about depreciation. In this lecture we will discuss about methods of depreciation. The first method of depreciation is straight line method, or we can say that fixed installment method or original cost method. ये जो पहला method है इसके तीन नाम है, original cost method, fixed installment method या straight line method. इसको हम continuous method भी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि ये इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहती है, सेम रहती है. इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा. और दूसरी बात ये है कि जो डेप्रिसिएशन रेट गिवन होगा, कि फॉर एग्जांपल मशीन की जो भी वैल्यूज पर इतना रेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है, ठीक है, तो वो जो रेट होगा वो हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट पर चार्ज होगा. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट क्या होगी? कॉस्ट प्राइस मतलब एक तो परचेज प्राइस होगी, इसके बाद परचेज प्राइस पर जितने भी हमने फर्दर एक्सपेंसेस किए टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर यूज, वो भी क्या होंगे, उस कॉस्ट पर उस परचेज प्राइस के अंदर ऐड होंगे, ठीक है. तो जो डेप्रिसिएशन रेट गिवन होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का, वो डेप्रिसिएशन जो रेट है वो हमेशा किस पर चार्ज होगा, कॉस्ट प्राइस पर. और इन सर्टेन मेथड जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है. इसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन रेट नहीं गिवन, अगर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन रेट नहीं गिवन, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे. और जो फार्मूला यूज होगा दैट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. अब कॉस्ट प्राइस क्या थी, हमने बात की थी जिस जो इनिशियली जिस वैल्यू पर एसेट परचेज होता है या रिकॉर्ड किया जाता है. स्क्रैप वैल्यू जब लाइफ खत्म हो जाएगी एसेट की, एस्टिमेटेड लाइफ खत्म होगी उसके बाद एसेट जिस वैल्यू पर सेल होगा. यूजफुल लाइफ क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये वो यूजफुल लाइफ है, वो टाइम पीरियड है जिसमें एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है बिजनेस को, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन रेट नहीं गिवन तो फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है. और फार्मूले से भी क्या है, जो भी वैल्यू आएगी वो हर साल क्या रहेगी, सेम रहेगी. अगर टाइम अपॉर्चुनमेंट की बात है कि फॉर एग्जांपल एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया, तो फिर फर्स्ट ईयर जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिफरेंट होगा, बिकॉज जब से एसेट परचेज हुआ जितने महीने जितने मंथ्स एसेट यूज होगा बिजनेस के अंदर, हम उसको उतने मंथ्स ही डेप्रिसिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल एसेट परचेज हो यकम जुलाई को, फर्स्ट ऑफ जुलाई को परचेज हुआ तो सिक्स मंथ यूज होगा 31 दिसंबर तक, तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर तक सिक्स मंथ बनते हैं, तो सिक्स मंथ क्या होगा, कैसे सिक्स मंथ क्या होगा, एसेट डेप्रिसिएट होगा, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस पर हम रेट अप्लाई करेंगे, और रेट अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स, डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है. अब इसमें हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या हमने कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट इंक्लूड्स द परचेज प्राइस प्लस फर्दर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज. इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि डेप्रिसिएशन रेट इज चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट. जो थर्ड अमाउंट, थर्ड पॉइंट है दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन्स सेम ईच ईयर, हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. इसके बाद क्या है कि फोर्थ, if depreciation rate is not provided in the question, तो फिर क्या होगा, use the formula to calculate depreciation expense. तो depreciation expense calculate करने के लिए formula use करेंगे, that is equal to cost minus scrap value divided by estimated useful life. तो ये हमारे पास formula use होगा. अब हम एक example देख लेते हैं, एक short example, फिर इसके बाद जो further lectures होंगे उसके अंदर हम complete question पढ़ेंगे, complete question को solve करेंगे पूरे board के ऊपर, कोई further ये जो theoretical portion है वो नहीं होगा, पूरा पूरा क्या होगा, फुल न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 लाख रुपीज, जो कॉस्ट प्राइस है मशीन की दैट इज रुपीज 100,000, जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 3 ईयर्स, जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज 10%, इसके बाद जो मशीनरी परचेज है वो कब परचेज हुई, यकम जनवरी 2016, मतलब 1 जनवरी 2016 को मशीन परचेज हुई, एंड अकाउंटिंग ईयर ends on 31st December each year, और 31 दिसंबर को accounts close होते हैं, ठीक है, इन books of accounts prepare हो जाती हैं. तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास question है, इसको हमने solve करना है through straight line method या fixed installment या original cost method या continuous method. हमने पढ़ा कि जो भी depreciation expense होगा हर साल according to this method same रहेगा. depreciation कब calculate करनी है, at the end of the year, at the end of the year ये start of the year है,
ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 इज द एंडिंग डेट ऑफ फर्स्ट ईयर। हमने क्या करना है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर हमने रेट चार्ज करना है। अब फार्मूला यूज नहीं होगा, फार्मूला इसलिए यूज नहीं होगा बिकॉज रीजन इज दैट कि हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट गिवन है। हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट गिवन हो तो फिर फार्मूला यूज नहीं होगा। तो जो हमारे पास डिप्रिसिएशन गिवन डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 31 दिसंबर 2016 को, तो दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट हुआ, 100,000 की कॉस्ट प्राइस थी, कोई फर्दर एक्सपेंसिंग करनी हुआ टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, तो कॉस्ट प्राइस पर हमने सिंपल रेट चार्ज कर दिया, तो 10,000 ईयर वन की डिप्रिसिएशन आ गई। जो ईयर टू है, हमने कहा था कि हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहेगी। एक बात हमने ये भी बात की थी कि जो डिप्रिसिएशन का रेट है, जो डिप्रिसिएशन का रेट होगा यानी जो भी परसेंटेज होगी, वो हमेशा हमेशा हर साल एसेट की कॉस्ट प्राइस पर चार्ज होगी। इन केस ऑफ दिस मेथड, फर्स्ट मेथड, हमेशा क्या है कि जो भी डिप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा, परसेंटेज गिवन होगी, वो हमेशा किस प्राइस पर, किस वैल्यू पर चार्ज होगी, एसेट की कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 100,000 है, 1,00,000 रुपए है, तो सेकंड ईयर भी जो रेट चार्ज होगा वो भी किस पर चार्ज होगा, 100,000 पर। और हमने ये बात भी की कि हर साल डिप्रिसिएशन सेम होगी, तो इस साल में डिप्रिसिएशन क्या रहेगी हमारे पास, 10,000 रुपीज। जो थर्ड ईयर है सिमिलरली, वो उसमें भी हमारे पास डिप्रिसिएशन क्या होगी, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 डिप्रिसिएशन तीनों सालों में है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। अब अगर हम इसका बना लेते हैं पूरा मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, तो मशीनरी अकाउंट में कैसे इंपोर्टिंग करनी है, हमने देखा कि जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल बनाते हैं, तो हम जब भी मशीनरी परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइटल क्या है, टाइटल के साथ नेचर देखते हैं, उस पर रूल लगाते हैं। हमने मशीन परचेज की, तो मशीनरी परचेज की, तो मशीन हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो रूल कहते हैं वो डेबिट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूं, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया और मैंने कैश पे किया, ऑब्वियसली कैश इज एसेट, एसेट डिक्रीज होगा तो रूल कहेगा वो क्रेडिट होगा, तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और कितने से, 100,000 से। और इसमें जो सेकंड चीज है, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो रूल कहते हैं वो डेबिट होगा, एक्सपेंस है तो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और दूसरा डेप्रिसिएशन, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट वैल्यू डिक्रीज होती है। अब एसेट वैल्यू डिक्रीज होती है, कौन सा एसेट, जो फिक्स एसेट है, मशीनरी वगैरह अभी हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट है, तो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो मतलब मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो मशीन इज एसेट, एसेट की वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज होगी, तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो रूल कहते हैं वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां हम कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और जो मशीनरी अकाउंट है दैट इज क्रेडिट। अब 10,000 ये हर साल यही वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास क्या, दो एंट्रीज आ गई, जर्नल एंट्रीज आ गई। अब इन एंट्रीज की मदद से हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है इसके अंदर। कैसे, कि हमने मशीन परचेज की यकम जनवरी 2016 को, 1st of January 2016 को परचेज की, ये एंट्री है। मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, सिंपल जर्नल इनटू लेजर कैसे पोस्ट करते हैं, सिंपल वही काम करना है। मशीन अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट, हम डेबिट में डाल देंगे 100,000। ठीक है, और बिकॉज ऑफ बट रीजन क्या है, कैश, तो कैश हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ये डेट ऑफ परचेज है, और 31 दिसंबर को हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, क्या था, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000, और मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट, तो हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 10,000 को, और बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ये रिकॉर्ड कर दिया। इस बाद हम देखते हैं जो वैल्यू ज्यादा हो दोनों साइड, ये हमारे पास क्या है, डेबिट साइड, एंड ये हमारे पास क्या है, क्रेडिट साइड। अब जो साइड आपकी बड़ी होती है, हम उसका बैलेंस दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं। ये साइड हमने देखी, तो हमारे पास यहाँ तक देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, 100,000, और इस तरफ देखेंगे तो ये 10,000 है, तो मतलब 1,00,000 रुपए की जो साइड है 100,000 वाली, वो ज्यादा है, तो हम 1,00,000 रुपए इस तरफ भी, 1,00,000 रुपए इस तरफ भी रिकॉर्ड कर देंगे, और अकाउंट क्लोज करने के लिए डबल लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब जब ये भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, टोटल करूंगा इसको, तो ये 1,00,000 बनती है, लेकिन इसका जब टोटल करूंगा तो ये क्या है, 10,000 बनती है, तो मतलब ये कि इस जगह पर 90,000 का डिफरेंस था, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन को हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, और बैलेंस कैरी डाउन को हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन ये आ गया, अब इसी को नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग क्या होता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 90,000, सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस दोबारा कितना था,
10,000 हमने ये चार्ज कर लिया। अब दोबारा क्या किया, दोनों साइड्स में देखा जो साइड बड़ी है उसको बैलेंस दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया, 90,000 ये रिकॉर्ड किया, 90,000 ये रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके जब टोटल किया तो 90,000 नहीं बन रहा था, वो 10,000 था। तो कितना हम 10,000 में ऐड करें कि वो 90,000 बने, दैट इज ₹80,000। कि जब 80,000 में हम 10,000 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 90,000। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरीड ऑन, और इसको नेक्स्ट ईयर में मूव कराने के लिए ऑपोजिट साइड पर बैलेंस ब्रॉड ऑन कर देंगे, बैलेंस ब्रॉड ऑन, दैट इज इक्वल टू 80,000। ठीक है, ये ईयर थर्ड हो गया, ये कम जनवरी 2018। इसके बाद जो है 31 दिसंबर को हम दोबारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, दैट इज इक्वल टू 10,000। तो दोबारा हमने 10,000 ये चार्ज कर दिया। अब हमने दोबारा देखा कि जब 80,000 करेंगे तो टोटल साइड 80 बनती है, लेकिन ये तो 10,000 है, तो कितना 10,000 में ऐड करें कि दैट वुड बिकम इक्वल टू 80,000 रुपीज। तो 80,000 क्लिक करने के लिए 10,000 में हम 70,000 फर्दर हम ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 80,000। इसका मतलब यह है कि हमारा बैलेंस क्लियर डाउन क्या होगा, जो डिफिशियंसी होती है वो बैलेंस क्लियर डाउन होगा, वो 70,000। इस 70,000 को हम यहाँ से मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर, इनटू नेक्स्ट ईयर, और वो क्या होगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर है, और ये ओपनिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन का मशीनरी अकाउंट बन गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये पूरा कैलकुलेट कर ली और उसी का हमने क्या बना दिया, मशीनरी अकाउंट बना दिया। तो ये था हमारे पास स्टार्टिंग मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको हम कंटिन्यूस मेथड भी कहते हैं, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है। अगर आपको रेट ना गिवन हो तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, जिसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपको जैसे 1,00,000 रुपीज गिवन है, स्क्रैप वैल्यू जो भी गिवन होगी, अगर नहीं है तो आप नील कर देंगे, एस्टिमेटेड लाइफ दैट इज 3 years, आपने 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगी पर ईयर के लिहाज से। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेथड फर्स्ट, ये हमने एक शॉर्ट एग्जांपल ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम पूरा डिटेल क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, जो उसके अंदर अमाउंट्स होंगी, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम सेट लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।